ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कैनेडियन एडल्ट इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर निकी बेंस के बारे में। लेकिन ये तो उनका सिर्फ स्टेज नेम है, उनका असली नाम तो एला मॉन्टचेक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट www.factinfo.in पे निकी बेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। उस पोस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एला का जन्म 11 दिसंबर 1981 में यूक्रेन के मारियुपोल शहर में हुआ था और वहाँ पे वो अपने कैनेडियन पिता की फैमिली के साथ रहा करती थी। लेकिन जब एला की उम्र 7 साल हुई तो वो अपने माता पिता के साथ कनाडा के टोरंटो शहर में शिफ्ट हो गई और वहीं पे पली बढ़ी। और अगर मैं बात करूँ उनके एजुकेशन के बारे में तो उन्होंने अपना हाई स्कूल कनाडा के ही एक स्कूल से पूरा किया और उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही काम करना भी शुरू कर दिया था। और शुरुआत में वो एज अ स्विम सूट मॉडल और डांसर काम करने लगी और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। आगे चल के सन 2002 में एला ने एडल्ट इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचा, जिस वजह से उन्होंने इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर जिम गन को एक ईमेल लिखा ये कहते हुए कि वो एडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं। जिसके बाद एला की मुलाकात फ्रैंक के से हुई, जो कि एक जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट थे। और दोस्तों, यहाँ पे उन्हें उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और यहीं से एडल्ट इंडस्ट्री में उनके करियर की शुरुआत हुई। और जब जनवरी 2003 में फ्रैंक के का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो लॉस एंजल्स शहर में शिफ्ट हो गई और इस समय तक उन्होंने अपना स्टेज नेम निकी बेंस रख लिया था। लॉस एंजल्स शहर में शिफ्ट होने के बाद भी उन्हें कई प्रोडक्शन कंपनीज की तरफ से कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अगर मैं बात करूँ उनके अचीवमेंट्स के बारे में तो आज तक वो अपने पूरे करियर में 2 नाइट मूव्स अवार्ड और 1 एक्सवेज अवार्ड जीत चुकी हैं। और अगर मैं बात करूं उनके नेटवर्थ के बारे में तो इस समय उनका नेटवर्थ अराउंड $2 मिलियन है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।